हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आप लोग का BW कैंपस पे तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग बीएड के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन हम लोग से किए कि सर डेडिकेटेड वीडियो बीएड पे आना चाहिए, और ख़ासकर एक मित्र ने इंस्टाग्राम पे कह दिया कि सर अब आना ही चाहिए। तो मित्र के कहने से ही और आप लोग के इतने बड़े प्यार भरे कमेंट से बीएड का सेक्शन आ चुका है। बीएड के एक डेडिकेटेड पोस्टर मेड हुए हैं BW कैंपस से। आप BW कैंपस के पेज BW कैंपस पे जाकर वहाँ पर आप उसको पोस्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पोस्टर में यहाँ पर लिखी डिटेल से ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं। उस पोस्टर को ज़रूर डाउनलोड करके एक बार देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बीएड स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूँ कि है क्या। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण जो इसका बीएड है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, पहली बात। और बीएड आपके यूपी से भी होता है, बिहार से भी होता है, एंड बीएड के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे आप यूपी बिहार किसी से या प्राइवेट से करते हो। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की वजह से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है फीस में, जो कि 4 to 5 thousand में आपका यहाँ पर बीएड हो जाता है। इसीलिए बीएड के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी होती है यहाँ पर BHU बीएड लेने के लिए। मैं आप लोग को कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ बीएड को, कि आप लोग को इसको बीएड के देखने का नज़रिया बदल जाएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एग्ज़ाम है उसको आप किस तरीके से पढ़ाई करो, कहाँ कहाँ से क्या क्या रिसोर्सेज मिलने हैं, और क्या क्या चीज़ आपको बिट टू बिट फॉलो करनी है। इन सारी चीज़ों को आप ख्याल रखें। मैं बीएड के सारे ग्रुप्स के एक साथ बात करूँगा, बिकॉज आगे जब अगर हमारी फैकल्टी अगर इंट्रोड्यूस्ड होती है तो वो इसके डेडिकेटेड वीडियो लाएंगी, वरना आप लोग को जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर आप फॉलो करके डेडिकेटेड तरीके से अपनी पढ़ाई को रन करना। मैं आपको बता दूं, जो आपका ये बीएड का पेपर होता है ये MCQ फॉर्म का होता है, 100 MCQ जिसमें आते हैं। 2.5 hours आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए, 2.5 hours 150 मिनट। ये बात याद रखें, 150 मिनट जो इसका एक क्राइटेरिया दिया गया है ना, ये सबसे टफ पड़ जाता है किस एग्ज़ाम्स के लिए पता है। ये जो आपके डिपार्टमेंट नीचे बांटे नहीं गए हैं, लैंग्वेज ग्रुप, साइंस ग्रुप, मैथमेटिक्स ग्रुप एंड ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस का ग्रुप, तो ये जो 150 मिनट है ये सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है हमारे साइंस के बच्चों के लिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं बचते हैं इसके अलावा, वो कहीं ना कहीं MCQ उनके थ्योरिकल बेस्ड होते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते। बट साइंस वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए उनके जो कट ऑफ हैं वो भी कम रहते हैं बाकी से, और बाकियों के कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहते हैं। 300 मार्क्स की जब ये फाइट आपकी होने वाली है, तो इस 300 मार्क्स की फाइट में आप याद रखें, अगर आप साइंस के हैं तो इसका 50% अगर आप हासिल कर लेते हैं 150 से 200 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन सेफ जोन में कहीं ना कहीं चला जाता है, और क्या पता कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाए तो और आगे जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि साइंस में जो मैथ होते हैं सारी चीज़ें आते हैं, तो इनमें कई होनहार स्टूडेंट होते हैं जो कि कई बार आंकड़ा पार कर जाते हैं। तो कट ऑफ के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ ये पूर्णतः आप ये नहीं कह सकते, अप्रॉक्सीमेट मेरी बातें सत्य हैं। और सबसे सेफ जोन, मैं इन सारे टॉपिक्स के लिए पहले आपको बता दूँ लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले, 200 मार्क्स, अगर आप 300 में से 200 मार्क्स यानी 66% के अप्रॉक्स अगर आप पा जाते हैं, मतलब 300 में से 200 मार्क्स अगर आप ऑप्टेंड कर लेते हैं, तो आप एक तरीके से सेफ जोन में ऑलरेडी एंटर्ड हैं, बस आपको इंतज़ार करना है रिजल्ट आने का। तो इस बात को गौर फरमाइए कि हमेशा लड़ाई सेफ जोन की लड़नी चाहिए। आप जनरल के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं, आप ये क्वेश्चंस कभी ना करें। आपकी लड़ाई प्रथम जनरल पे होनी चाहिए कि आप जनरल कैटेगरी में बीट करें। आप इतना अपने आप को पढ़ाएं, इतना मतलब अच्छे से अपने आप को बिल्ड करें कि आपके पढ़ाई में जे कर्व बने और आप अपनी पढ़ाई के रैकरिंग नेचर को प्राप्त कर सकें। वो आप कैसे करेंगे अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि आप स्टडी मटेरियल कि कहाँ कहाँ से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें। BW कैंपस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bwcampus.com, गूगल पे आप सर्च करें, चाहे वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स रखे हुए हैं इन सारे डिपार्टमेंट्स के, आपके लैंग्वेज के, साइंस के, मैथमेटिक्स के, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के सारे पेपर्स वहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। अगर आपको वहाँ पर पेपर्स अपर्याप्त लग रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप BHU online.in पे जाके वहाँ से भी पेपर्स ले सकते हैं।
साथ ही साथ कई सारे पब्लिकेशंस होते हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आपकी ये बुक डेडिकेटेड होगी, इसको पढ़ लीजिए, सफलता पूरी की पूरी मिल जाएगी। बट इस भ्रम में ना रहिएगा मित्र, क्योंकि जो आपका कंटेंट होता है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ें, इसके बाद किसी पर भी बिलीव करें कि आप करने क्या जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अगला जो बुक बनाया है या अगला जो बातें कह रहा है उससे मैं कितना कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ही आप उसके साथ जाइए, तो ही आप उसके साथ जुड़िए, तो ही आप उसकी बुक को परचेस करिए। क्योंकि इन्वेस्ट करना मनी आसान है आज दिन में, मैं सबके लिए देख रहा हूँ, बट मनी के साथ साथ थोड़ा मेंटली भी इन्वेस्ट करें, टाइम अपना करेक्टर को टाइम दें। जो चीज़ आपके पास फ्री में अवेलेबल है पहले उस पर अपनी मेहनत लगाएं, थोड़ा सा स्टडी करें। आप सभी ग्रेजुएट हैं, सबसे खास बात आपके लिए ये है, ग्रेजुएट होने तक हम लोग ये जान जाते हैं हमारा सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। थोड़ा सा मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं चीज़ों पर। तो बीएड में भी आपको यही करना है। आप किसी भी डिपार्टमेंट के हों, आप चाहे लैंग्वेज के हों, चाहे साइंस के, चाहे मैथमेटिक्स के, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, कोई भी डिपार्टमेंट आपका हो, आपको पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे अच्छे से स्टडी करनी है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि राजन सर जो बात कहे थे कहीं ना कहीं उनकी बात में सदाकत है, और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे मेरे से। अब मैं बात करता हूँ 30 MCQs जो 100 में से है, 30 MCQs का स्लॉट जो रखा गया है वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन स्लॉट होता है कि जिनमें से जो आते हैं उनको सभी को अटेम्प्ट करना है। वो 30 questions वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट एजुकेशनल सिनारियो। ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, ये हम लोग की आम बोलचाल की भाषा में या जो हम लोग टेक्निकली जो आम तरीके से पढ़ाई करते हैं, जो रीजनिंग भी होती है वो 10+2 या SSC कह लें उस लेवल तक की ही रीजनिंग होती है, इससे हाई रीजनिंग नहीं होती है। इन सारी चीज़ों के लिए आप अगर कोई मटेरियल परचेस करते हैं ना तो बहुत ही पर्याप्त होता है। उसमें दिए गए MCQ कई बार ऐसे होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा सर आप रिपीट हो गया थोड़ा सा घुमा कर, बस वही चीज़ है कि आपको इतना मेहनत नहीं करना है, आपको बस टेक्निकली दिमाग लगाना है। और याद रखिए, लूज आदमी कहाँ करता है पता है, आप स्मार्ट हो सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में, आप अपने लैंग्वेज में स्मार्ट हो सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा हासिल कर सकते हैं साइंस में, मैथमेटिक्स में, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, आप फेल कहाँ होंगे? आप फेल होंगे तो इसी 30 MCQ में। ये आपकी मेन लड़ाई है। मैं इस पर क्यों ज़्यादा गौर कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको ये सोच के छोड़ देते हो कि ये नॉर्मल, अभी जैसे मैंने बात नहीं कही कि ये नॉर्मल है, जनरल है, तो आप इसको जनरल ना समझें, इस पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप भी जानते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आप ये बात जानते हैं कि आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रीजनिंग का है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, करंट एजुकेशनल सिनारियो है, ये सब डेली प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। आप जब डेली लोगों से जुड़ते हैं, न्यूज़पेपर पे कनेक्ट रहते हैं, सारी चीज़ें रीजनिंग की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप 30 MCQ सॉल्व करने के कगार पे हैं। अगर आप ये 30 MCQ सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, तो आप ये याद रखें कि इनमें से अगर आप 50% भी हासिल कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी अचीवर हैं। आपको अचीव करना है तो कुछ खुद से आपको समय देना है, किस चीज़ पर, जहाँ पर आपकी कड़ी सबसे ज़्यादा कमजोर है। अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज डिपार्टमेंट की। जो यहाँ पर डिपार्टमेंट बटे हैं वो 4 भागों में बटे हैं। पहला हमारा लैंग्वेज डिपार्टमेंट आता है, जिसके तहत हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत आते हैं, और आता है साइंस का डिपार्टमेंट जहाँ पर आपकी बॉटनी आती है, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ये सभी आते हैं। साथ ही साथ मैथमेटिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें मैथमेटिक्स आती है, स्टैट्स आता है एंड कंप्यूटर साइंस, ये सब आता है। और मैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करूं, तो इसमें जो पर्सनली आपसे 70 questions पूछे जाने हैं वो टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, आपके PS के टॉपिक्स हैं, जियोग्राफी के टॉपिक हैं, इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, कॉमर्स के हैं एंड होम साइंस के हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें तो एक आम बात है जो हमारे द्वारा बनाए गए पोस्टर से आपको पता चल जाएगी, बट वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है नीचे, आप उस पर गौर फरमाइएगा। वो जो इम्पॉर्टेंट नोट है उस थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है, बट उस पर गौर फरमाइएगा, वो आपके लिए बहुत ही अहम है। आप फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। कई बार ऐसा हुआ है कि फॉर्म भरते समय बच्चों ने गलती की है। वहाँ पर गलती क्या होती है पता है, आप वहाँ पे जाते हो तो ये कहते हो भैया हमारा बीएड का फॉर्म भर दो, साइंस का भर दो, सारी चीज़ें,
आप वहां पे जो कैटेगरी है सब कैटेगरी सब मेंशन बढ़िया से करो, कम से कम अपना फॉर्म बैठकर खुले दिमाग से अच्छे से भरना, बिकॉज बाद में चल के वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको लगता है यार एंट्रेंस मैंने निकाल दिया, इसके बाद भी मैं वो सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। तो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए उसके लिए आपको पहले ही मेहनत करनी है इसीलिए, और इन सब चीज़ों के डेडिकेटेड जितने भी स्लॉट्स हैं वो एक बुक में आपको कभी नहीं मिलने वाले हैं, ये बात अच्छे से आप हमारी याद रखें। जो भी चीज़ें हैं आप उससे उसको अच्छे से पढ़ें, जो जैसे है अच्छे से उसको रिवाइव करें और अपनी स्टडी को और ही ज़्यादा बेहतर करें, क्योंकि आप ग्रेजुएट लड़के हैं लड़कियां हैं या फिर छात्र हैं छात्राएं हैं, हमारे दोस्त कलीग्स जो भी हमारी बात सुन रहे हैं उन सभी लोग से मेरा यही एक अनुरोध है कि कोई भी चीज़ कोई भी मटेरियल कुछ भी परचेस करने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी करें, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको ये बताएगी कि आप राइट चॉइस की तरफ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये रहा हमारा बीएड का डेडिकेटेड स्लॉट, आपको ये कैसा लगा अपने कमेंट में विचार रखिएगा और इस वीडियो को हमारे दोस्तों तक फैलाइएगा, साथ ही साथ BHU के जो भी प्लेटफॉर्म है UG PG एंड CHS PW कैंपस उनकी तैयारी कराता है, आपका कोई भाई होगा छोटा या भाई बंधु कोई भी दोस्त मित्र मित्र कलीग रिश्तेदार उन तक ये बात पहुंचाइए कि BW कैंपस उन सभी की तैयारी करा रहा है, और आप हमसे कनेक्ट होइए क्योंकि BW कैंपस प्यार भरा परिवार है जिसके आप भी एक सदस्य हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अलग वीडियोस में, तब तक के लिए आप BW कैंपस साथ जुड़ें, नेवर गिव अप हमेशा याद रखें मित्रों, और साथ ही साथ आपकी सफलता ही हमारी जिम्मेदारी है। ऑल द बेस्ट।